पे देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10, देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है पर खतरनाक नहीं है। इस सवाल को अभी देखिए कैसे गर्दा उड़ाते हैं, उस सवाल को ध्यान से देखें। दोस्तों सबसे पहले देख सकते हैं कि यहाँ पे बाहर में स्क्वायर है और इसे पहले मान लेंगे, इस इधर वाले को मान लेंगे ए, इधर वाले को मान लेंगे हम लोग बी। तो आपको फॉर्मूला पता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे हम फॉर्मूला पहले लिख देते हैं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये फॉर्मूला होता है। तो चलिए इस पे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों होता है ए स्क्वायर, तो ए किसको माने हैं, रूट एक्स को, इस पे स्क्वायर कर देते हैं, रूट एक्स का होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर होता है बी स्क्वायर, बी किसको माना है, एक बटा एक्स को, तो चलिए एक बटा एक्स रूट एक्स का होल स्क्वायर, फिर माइनस 2, ये 2 फॉर्मूला का होता है। फिर ए है तो ए की जगह पे यहाँ पे है रूट एक्स, तो रूट एक्स इन टू, और बी है यहाँ पे तो बी की जगह पे है एक बटा रूट एक्स, एक बटा रूट एक्स है। और यहाँ पे दोस्तों इसको बंद कर देते हैं और इसका हो जाएगा समाकलन डी एक्स। ध्यान से देखना दोस्तों, अब बताइए ये कि रूट एक्स पर पावर 2 है तो ये पावर और ये रूट हट जाएगा, बच्चे का क्या सिंपल में एक्स, फिर प्लस, यहाँ भी देखिए कि एक का स्क्वायर करेंगे तो होगा यहाँ पे एक, और रूट एक्स का होल स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर और ये रूट हट जाएगा, तो बचेगा नीचे में सिर्फ एक्स, फिर माइनस, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये और ये कट गया, तो 2 × 1 यहाँ पे बचा सिर्फ 2 और साथ में बचा है यहाँ पे समाकलन डी एक्स। अब ये सवाल बहुत आसान हो गया, चलिए इस सवाल को बनाना शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देखिए कि ये सवाल 3 स्टेप में है, तो तीनों में पहले समाकलन लगाएंगे, तो ये हो जाएगा दोस्तों समाकलन एक्स डी एक्स, फिर प्लस समाकलन एक बट एक्स डी एक्स, फिर माइनस, यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे 2 लिख, समाकलन पहले लिख देते हैं 2 dx। चलिए सवाल को थोड़ा सा हम यहाँ बनाते हैं। देखिए दोस्तों कि x का जो समाकलन होता है यहाँ पे नहीं कुछ तो पावर 1 है, पावर में 1 जोड़ेंगे और वही सेम चीज नीचे लिखेंगे, तो x पर पावर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों x पर पावर 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1। फिर यहाँ पे देखिए कि 1 बटा एक्स लिखा हुआ है, तो 1 बटा एक्स जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो होता है लॉग का, वो किसका होता है लॉग का, तो लॉग यहाँ पे हो जाएगा एक्स, फिर प्लस, यहाँ पे देखिए माइनस है, सॉरी यहाँ पे माइनस है, तो चलिए यहाँ पे माइनस दे देते हैं, और यहाँ पे हम लोग दोस्तों फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं कि 1 बटा एक्स का जो समाकलन होता है वो होता है दोस्तों लॉग एक्स, फॉर्मूला यहाँ पे हमने लिख दिया है। तो चलिए 2 यहाँ पे देखिए दोस्तों कि ध्यान से देखिए कि थोड़ा सा डी एक्स को साइड कर देते हैं, यहाँ पे डी एक्स इधर लिख देते हैं, तो यहाँ पे हम लोग 2 × 1 लिख सकते हैं, तो 2 को पहले बाहर कर लेंगे बचेगा 1, तो उसका समाकलन करेंगे, 2 बाहर और समाकलन 1 डी एक्स। तो चलिए बनाते हैं इसको, यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा एक्स पर पावर 1 प्लस 1 2 और नीचे भी 1 प्लस 1 2 और प्लस लॉग एक्स और माइनस 2 इंटू 1 का समाकलन होता है एक्स, तो यहाँ पे हम लोग एक्स लिख देंगे और प्लस में आ जाएगा यहाँ पे सी। इस सवाल को फिर से एक बार रिफ्रेश करके लिख लेते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों हो जाएगा एक्स पर पावर स्क्वायर बटा 2 प्लस लॉग एक्स माइनस 2 × x 2x प्लस सी, तो ये फाइनल आंसर हो गया दोस्तों। तो इस तरह से आप सवाल को बना सकते हैं।